PakWheels.com, Pakistan's number one marketplace for buying and selling of cars, bikes and auto parts. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाकिस्तान के पहले ड्रिफ्ट इवेंट के ऊपर आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के लोकल टैलेंट की हंट जारी है जिसमें आज जो है सात के करीब पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें 1, 2, 3 टॉप पोजीशन आएगी। तीन जजेज हैं, दो इंटरनेशनल जजेज हैं और एक आपका भाई जज है और इंशाल्लाह ताला आज देखते हैं कि कौन जो है इसमें सक्सेसफुल होता है। माउंटेड ये पाकिस्तान में पहली बार हंट कर रहा है पाकिस्तानी टैलेंट के लिए और इसके अंदर एक रूल जो है व्यवस्था किए गए हैं, सेफ एंड सिक्योर जगह है ताकि लोग जो है सड़कों पे ड्रिफ्ट करने के बजाय एक सेफ्टी के साथ जो है वो ड्रिफ्ट करें और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स को भी ने बहुत आगे लेके जाना है और कोशिश करेंगे कि आपके लिए मजीद इस तरह के इवेंट लेके आते रहें। आज के इवेंट का जो बेसिकली स्केड्यूल ये है कि अभी तक 5 पार्टिसिपेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो अपनी अपनी बारी पर जाएंगे। रूल ये है कि अगर आपने जो बेसिकली इसमें टाइम होगा, कौन सबसे पहले टाइम करता है उसमें टाइम में पेनल्टी होगी। अगर आप किसी कोन को हिट करेंगे, आप किसी ड्रम को हिट करेंगे या अगर आप ट्रैक भूल जाते हैं तो आप DNF होगा जो कि डिन नॉट फिनिश होता है। सो उस लिहाज से फिर एंड पे जो दो जजेस का एवरेज टाइम है वो होगा और तीसरा जज जो है वो आपको बेसिकली आपकी जो ब्यूटी ऑफ ड्रिफ्ट है उसके ऊपर मार्क्स देगा। इस तरह टोटल मार्क्स कम्यूट होंगे और देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला आज जो है पाकिस्तान का जो ड्रिफ्ट विनर है वो कौन निकलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो कौन आता है और हम आपको साथ साथ जो है ड्रिफ्ट एक्शन दिखाते भी रहेंगे। अब जो है फहद जो है वो जा रहे हैं। All the way from South Africa, co-owner of the Super Drift series, and I've been in drifting for 10-12 years, teaching people how to drift. I'm a drifter myself. Okay, so the local drifters are amazing. These guys have been so kind and good to us while we've been here. I see a big future for them. I think their skill level is really good. I think they need a lot of seat time and practice to really get globally significant and better. So the reason why we're here is for the Mountain Dew Moto Extreme, the biggest stunt show in Pakistan. Tomorrow's event is about bikes going 2.5 stories up in the air, backflipping, cars on the ground drifting. It's just it's a stunt show and sensory overload. It's going to be amazing. Guys are going to be getting out of cars. We've got Stacey May, who's just been on Netflix with Hyperdrive. So there's a lot of stuff coming to this venue at Jinnah Stadium tomorrow night. We look so forward to being able to just entertain the locals and look forward to their response. Yeah. I'm from
South Africa. So I'm 23 years old at the moment. I started spinning and drifting at the age of 16. I was bullied a lot in high school, so my dad thought that putting me into motorsport would help boost my confidence, and that's how it started. My dad trained me, and it took me about 5 minutes to an hour to learn how to drift and stunt, so it was quite fast. It was quite natural to you. Yeah, it was. My performance is basically stunts to show the women of Pakistan and the women of the world that you can do anything you set your mind to doing. So I do some crazy stunts, one of them being the suicide slide where I hang upside down out of a moving car. It's pretty awesome. You guys should check it out. पाकविलेज जो आज का इवेंट था ड्रिफ्ट इवेंट वो कंक्लूड हो चुका है और हमारे साथ जो विनर मौजूद हैं फर्स्ट आए हैं ताहा सेकंड फहद थर्ड सरदार हसन साहब बेहतरीन इवेंट था बहुत मज़ा आया और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स के अगर फ़रोग के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे और ये तीनों लोग जो हैं पाकिस्तान की मोटर स्पोर्ट की हिस्ट्री में याद रखे जाएंगे बिकॉज पहली दफ़ा जो इवेंट हुआ है इन्होंने वो उसमें हिस्सा लिया है सो हम इनसे इनके तासरात पूछते हैं ताहा कैसे क्या फीलिंग है इवेंट के बारे में क्या आपके तासरात हैं बचपन से ही पाकविलर हूँ आपको पता है और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि आप लोगों की वजह से इतनी हिम्मत पड़ी है कि ड्यू ने एक अच्छे ब्रांड ने ये सब चीज़ें इतनी हम पे भरोसा किया वरना हमेशा हर साल सिर्फ इंटरनेशनल बंदे आते हैं अपना स्टंट दिखाते हैं और तालियां बजवा के चले जाते हैं हम लोकल्स को आज तक कोई अरीना नहीं मिला सही और आज सबके सामने जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है बिल्कुल हमें थोड़ी सी स्कूलिंग की ज़रूरत है और थोड़ी सी गवर्नमेंट की सपोर्ट है कि इतना बड़ा अरीना देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है किसी भी जगह के लिए ये एक अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग बिज़नेस हो सकता है और मैं तो सबको ये बोलूँगा कि ये एक सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मोटर स्पोर्ट्स है पूरी दुनिया में लीडिंग मोटर स्पोर्ट्स चल रहा है सर ड्रिफ्टिंग एक वो इवेंट है कि ये नशा है गोइंग साइड वेज बिल्कुल ठीक सो फाज साहब आपका क्या ख्याल है आज के इवेंट के बारे में आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और मुझे लगता है शुरू में थोड़ा परेशान से थे लेकिन इवेंट के बाद आपको कैसा फील हो रहा है और इवेंट के बारे में क्या कहेंगे परेशान तो नहीं उस तरह काफ़ी टाइम तक दो साल मैंने बीच में ड्रिफ्टिंग नहीं की अच्छा तो इस वजह से ना तो उठ के आगे बस इसी तरह बगैर प्रैक्टिस से कुछ करना चलिए कोई नहीं ऐसा ऐसा प्रैक्टिस बेहतर होगी ज़्यादा बेहतर होगी इवेंट्स और होते रहेंगे इवेंट जिस तरह होते रहे तो अच्छा है मज़ा आएगा बिल्कुल जरूर होंगे सर आगे गवर्नमेंट नहीं भी करी तो हम करें अगर इंशाल्लाह करेंगे बिल्कुल सरदार हसन हमारे साथ है जी हसन भाई आपके आज के इवेंट के बारे में अस्सलाम वालेकुम जी मैं तो यही कहूँगा बड़ा अच्छा है कि जो माउंटेन ड्यू ने ये स्पोर्ट को इनक्रेज किया है और शुरू किया है आपको पहले भी पता है मैं रैली में पार्टिसिपेट करता हूँ ड्रैग रेस में भी करता हूँ ये एक चीज़ रह गई थी जो अभी तक नहीं की हुई थी अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि इसमें भी मुझे ट्रॉफी मिल गई है तो व्यूअर ये था आज का जो ड्रिफ्ट इवेंट है जो हम आपके लिए कवर करके लाए थे और हमने कोशिश करेंगे कि बाकी भी जितने शहरों में इवेंट होता रहे अब आपके लिए उसकी अपडेट लेके आते रहे अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे आपसे फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा शुक्रिया